सर अभी हम लोग के पास में है हमारे विद्यालय के वाणिज्य के शिक्षक श्री अरविंद कुमार सर। तो इनसे जानेंगे कि ये इनके जीवन में फिटनेस का क्या महत्व है या खुद को कैसे फिट रखते हैं। सर कृपया आप पहले उम्र अपना बता दें, और शारीरिक रूप से तो आप काफी एक्टिव रहते हैं, कृपया आप उम्र अपना बताएं। 57 के आसपास है। 57 के आसपास में है। तो सर अभी आपके जीवन में क्या लगता है कि ये जो फिट रहना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तन अगर फिट नहीं होगा तो मन फिट कहाँ से होगा? तन फिट नहीं होगा तो मन फिट खास नहीं होगा। खास खास कर टीचर्स के लिए और अधिक आवश्यक है। टीचर्स के लिए और अधिक आवश्यक है। तो सर इसमें बताइए कि आप खुद को कैसे फिट रखते हैं? दो तीन चीज है जिसमें कि आप ध्यान देंगे तो शरीर फिट रहेगा। पहली तो है कि आप खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें, डेली रूटीन पर ध्यान रखें, तो खान और कोशिश करें साइकिल चलाने की। तो मैं तो साइकिल चलाने की कोशिश करें तो उसका तो बहुत सारा फायदा है, बहुत सारे है ना, बहुत सारे फायदे हैं। अभी देखिए 57 की उम्र में मेरे जो माथे के बाल हैं वो बिल्कुल काले हैं। कभी मैंने मेडिसिन का यूज नहीं किया, फिर मैं योगा भी करता हूँ सर फिटनेस के लिए। तो सर जैसे कि आपको खान पान में भी खान पान का बात किए तो खान पान में थोड़ा बताएंगे हम लोग किस तरह के खान पान हम लोग करें कि हम लोग फिट रहे। सबसे पहले बाजारू भोजन को कभी छुए नहीं, बाजारू भोजन नहीं छूना है। घर में दूध हरी साग सब्जी साधारण भोजन जो हमारे बाप दादा किया करते थे उसी पर आश्रित रहे, शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहेगा। चलिए धन्यवाद सर, आपने दो टिप्स बताए कि एक तो हम लोग साइकिल चलाए है ना, एक तो हम बाजारू भोजन से दूर रहे, बाजारू भोजन से। ये फास्ट फूड जो आजकल चला है ना, फास्ट फूड उसको उसको स्वप्न में भी मत छुए, स्वप्न में भी नहीं छुए। तो अगर ये ऐसा हम लोग करते हैं ये दोनों ही चीज को अगर हम लोग जिंदगी में निश्चित साइकिल चलाएंगे ठीक है, और बाजारू भोजन को नहीं खाएंगे तो आपका ऐसा मतलब विश्वास है आप खुद पे, शायद आप पर प्रयोग भी किए होंगे कि आप मतलब कि फिट रहते हैं। मैं तो दौड़ में भाग लिया था, फर्स्ट किया हूँ। अच्छा हम अपने गुरु मतलब साबित कर चुका है कि आप फिट हैं।